हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप सबको पता है कि आपके जो माइंड है ना, उसका सिक्स सेंस आप खुद से एक्टिव कर सकते हैं। कैसे? दिमाग को इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट करें, यही होगा, यही होगा, यही होगा, ऐसा डेली। या फिर आपको आपका कोई एम हो, आपको कुछ बनना हो, है ना, वो उसको इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट करें। वो टाइम बहुत दूर नहीं लगेगा जब आप वो बन करके तैयार हो जाएंगे। करके देखें, चलते हैं। शेयर की अपनी एक सीरीज चल रही है और शेयर में हमने इससे लास्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा फॉर फ्यूचर, सिंपल सा फॉर फ्यूचर का एक क्वेश्चन और इशू भी सिखा दिया था। आज हम फॉर फ्यूचर के क्वेश्चंस लेके आएंगे, लेकिन प्रोराटा वाले नहीं, अभी सिंपल वाले फॉर फ्यूचर करेंगे और फॉर फ्यूचर के बाद हम करेंगे उसको री इशू। क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन एक साथ आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, राइट? क्वेश्चन आपके सामने आ गए होंगे, हम एक बार और आपको उसको पढ़ के बता देते हैं। 200 शेयर्स है, 10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़। प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, यही बताना था हमको। अच्छा, पेमेंट है प्रीमियम का विद अलॉटमेंट, वो फेयर फॉरफिट कर लिए गए, है ना। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹9 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, समझ रहे पहले आप क्वेश्चन को। देखो, हमने मतलब फॉरफिट किए हैं 200 शेयर्स, राइट? 10 रुपीज़ ईच है, इंफॉर्मेशन यही नोट कर लेते हैं। इस पर प्रीमियम है 5 रुपीज़ का, क्लियर? नॉन पेमेंट किसका हुआ है? हमारा अलॉटमेंट मनी का, जो है 9 रुपीज़ पर शेयर, इसमें इंक्लूडिंग है वो भी प्रीमियम में, क्लियर? चलें आगे। 3 रुपीज़, अच्छा, वो जो कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज़ की है, जो अभी तक मैच हुई नहीं है, मैंने कॉल अभी कॉल नहीं की है, नॉट मेड, अभी हुई नहीं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसको रीइशू, तो वो फॉरफिट तो हो ही गया है। उसके बाद इन्होंने इसको रीइशू भी किया है 14 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, फुल्ली पेड अप मान करके। ये फुल्ली पेड अप क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। चलो, सबसे पहले हम शेयर को फॉरफिट कर देते हैं, सिंपल है। 200 शेयर्स हैं, 200 शेयर्स को हमको यहाँ पर फॉरफिट करना है। कॉल अभी हुई ही नहीं है, कॉल अभी हुई नहीं है, तो 10 रुपये का शेयर है, 3 रुपये की तो कॉल ही नहीं हुई, इसका मतलब अभी शेयर की वैल्यू कितनी है? 7 रुपीज़ के हिसाब से। तो जो एंट्री हम पास करते हैं ना, शेयर कैपिटल, ये होगी 200 × 7, 1400 से, ठीक है? क्योंकि अलॉटमेंट नहीं पेड किया गया था और अलॉटमेंट पर लगा हुआ था प्रीमियम, तो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। जब प्रीमियम रिसीव होता है तब हम उसे क्रेडिट करते हैं, यहाँ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है तो हम उसे करेंगे टैक्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ₹5 का है 200 शेयर्स के हिसाब से, 1000 रुपीज। टू कौशन एरिया, कौशन एरिया क्या चीज? अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है हमारा? अलॉटमेंट का अमाउंट था हमारा 9 रुपीज़ था शायद, हाँ, अलॉटमेंट का अमाउंट है हमारा 9 रुपीज़ का, इंक्लूडिंग प्रीमियम ही लेंगे क्योंकि प्रीमियम हम ऑलरेडी यहाँ पे शो कर चुके हैं। तो 9 रुपीज़ का है 1800 का, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आएगा टू फॉर शेयर फॉरफिटेड, यानी कि जो रिसीव्ड अमाउंट होता है हमारा, हमने तो इसका मतलब इसने क्या दे दिया था? इसने सिर्फ दिया एप्लीकेशन मनी, ठीक है। एप्लीकेशन मनी भी हम कैसे करके इसमें काउंट करेंगे? देखो, 9 रुपीज का तो हो गया अलॉटमेंट, 3 रुपीज की हो गई कॉल, ठीक है। 15 रुपीज का शेयर है ना, 10 + 5 ऐसे करके कर लेते हैं तो भी हमारा आ जाएगा। कुछ भी कर सकते हैं आप, 10 + 5 कर लो तो कितना, 15 रुपये का शेयर है, 9 और 3 कितने हो गए? 12। इसका मतलब 3 रुपये की क्या है? एप्लीकेशन। या बिना बिना प्रीमियम के निकालना चाहे तो बिना प्रीमियम के निकालना है कि 9 में से हम 5 लेस कर देंगे, तो इसका मतलब 4 रुपीज़ का अलॉटमेंट है, कैसे करके पाया है ना, 4 और 3 7 और 3 10 रुपीज़ का हो गया, क्लियर है। तो ये फॉरफिटेड अमाउंट कितने रुपये से निकलेगा? 3 रुपीज़ से। इसका मतलब सिर्फ उसने एप्लीकेशन मनी पेड किया तो कितना हो जाएगा? 3 × 600 रुपये हो गए, मैच हो गई। देखो आपकी एंट्री 2400 रुपये प्लस 2400 रुपये, सही।
रीइशू कर देते हैं इसको, रीइशू उन्होंने किया 40 रुपीज फुल्ली पेड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल, आप पूरा लिख लेना बच्चे इसको, शेयर कैपिटल अकाउंट 40 रुपीज के हिसाब से है, 14 × 200 2800। फुली पेड अप का मतलब ये है कि अब ये जो 3 रुपीज की 3 रुपीज की कॉल नहीं हुई थी ना, वो भी अब यहाँ हो गई, फुली पेड अप हो गए शेयर्स, समझ गए। फुली पेड अप का क्या मतलब होता है, जितना था शेयर का अमाउंट वो पूरा का पूरा कॉल कर लिया गया है। 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये पूरे मांग दिए गए, 200 × 10 कितना हो जाता है हमारा, 2000, समझ गए। और अब हमारा 800 कम है ना, ये आ जाता है अगर प्रीमियम पर इशू कर देते ना, 10 रुपये का शेयर 14 रुपये पर इशू हुआ है ना, तो उसे हम कहाँ डालते हैं, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, 800 रुपीज यहाँ पर हम ट्रांसफर कर देंगे। कम होता है तो फॉरफिटर में डाल देते हैं, फॉरफिटेड अकाउंट में, ज़्यादा होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डाल देते हैं। लास्ट एंट्री और तैयार करेंगे, शेयर फॉरफिटेड टू के शेयर कैपिटल, फॉरफिटेड में 600 रुपये सारा डाल दो, शेयर फॉरफिटेड टू सीएल कैपिटल रिजर्व 600। सिंपल, क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। है अपने वो भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका था ना, एक साथ हमने 2 क्वेश्चन शो करवाए। पलटी बता देते हैं हम क्वेश्चन आपको, देखो एबीसी है, 150 शेयर्स प्रॉफिट किए हैं उन्होंने, लिख देते हैं सारे 150 शेयर्स प्रॉफिट किए हैं, ठीक है, 10 रुपीज ईच है प्लस 5 रुपीज का पेमेंट है, अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट 8 रुपीज का है इंक्लूडिंग प्रीमियम है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी और रुपीज, हाँ हो गया, फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की और फाइनल कॉल है, यानी कि सेकेंड कॉल में फाइनल कॉल है 3 रुपीज का, राइट, आउट ऑफ दिस, अच्छा प्रॉफिट हुए हैं 150 शेयर्स, लेकिन हमने इसमें से सिर्फ 100 शेयर रीइश्यू किए हैं, है ना, इसमें भी थोड़ा सा चेंज होगा वो भी बताते हैं आपको। अच्छा इसमें हम एप्लीकेशन की अमाउंट निकालने का है, शेयर हमारा कितने का हो गया, यहाँ 15 रुपये का हो गया, तो 8 + 2 + 3, तो एप्लीकेशन मनी हमारी कितने की हो गई, 2 रुपये, सही है ना। अब हम बस इसको सिंपल प्रॉफिट कर लें, तो यहाँ आ जाता है हमारा शेयर कैपिटल, क्योंकि उन्होंने ना तो अलॉटमेंट नहीं दिया, तो इसका मतलब दोनों कॉल भी नहीं दी होंगी, ये अंडरस्टूड बात है, ये हम पहले भी आपको क्लियर कर चुके हैं, है ना, कि अगर अलॉटमेंट नहीं दिया तो कॉल भी नहीं दी होंगी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल और टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये फॉर फ्यूचर की एंट्री प्रिपेयर करने वाले हैं। 150 शेयर्स, 10 रुपीज का एक शेयर, ठीक है, 150 शेयर्स 5 रुपीज का हमारा प्रीमियम, राइट, अलॉटमेंट 8 रुपीज का है, ठीक है, कॉल है हमारी 2 रुपए की 300, उसके बाद फाइनल कॉल है 3 रुपए की, इन्होंने दिया क्या होगा, सिर्फ एप्लीकेशन मनी को टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, दो रुपए की ये हो गया, मैच हो जाएगी बिल्कुल आपको अमाउंट, ये और ये मैच, इसमें कहीं भी कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलती कभी भी, ये सब कैलकुलेटेड अमाउंट है, लेकिन मैच हो जाएंगे सब, सही है, देखो ओके चलो अब इसको बस हमने, अब हम इसको रीइशू करा देते हैं आपको, ओके रीइशू कराते हैं हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिख लेते हैं पहले हम, अब इन्होंने सिर्फ रीइशू किए 100 शेयर, है ना, 100 शेयर इशू किए हैं, तो इसके अमाउंट तो 1000 हो गए, अब 100 शेयर्स इशू किए हैं उन्होंने 40 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 1400 भी आ गया, तो हमारा फिर एक्स आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितना आ गया 400।
Now the most important thing. Share forfeited to CR. Capital reserve में हमें amount transfer करना है. बस ये चीज हमें आपको समझाने. देख हमने forfeit किए यहाँ पर 150 shares. लेकिन हम रेशियो कितने कर रहे हैं 100 शेयर्स 50 शेयर्स अभी भी स्टिल कंपनी के पास हैं ठीक है तो हम सारा अमाउंट ये जो सारा अमाउंट है फॉरफिटेड का ये हम यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि ये तो 150 शेयर्स का है ना और हमने तो सिर्फ 100 शेयर इशू किए हैं अब क्या करेंगे बहुत ध्यान से इस चीज़ को देख लेना ये जो 300 अमाउंट है रुपीज ये 300 है ना कितने शेयर्स के लिए है 150 शेयर्स के लिए तो हम पर शेयर की कॉस्ट निकाल देते हैं क्या करते हैं हम पर शेयर की कॉस्ट निकालते हैं तो 300 डिवाइडेड बाई 150 मतलब हमने 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमने फॉरफिट किया है ना नाउ कंपनी ने अपने पास कितने शेयर रख लिए बचा करके 50 शेयर्स सिर्फ 50 तो 50 मल्टीप्लाई बाई 200 रुपीज अभी हम अपने पास सेव करेंगे मतलब 300 में से 100 तो ये लेस कर दो 100 ये लेस कर दो तो हमारा फॉरफिटेड का अमाउंट कितना बन जाता है 200 समझ आए फिर से बता देते हैं फॉरफिटेड जितना अमाउंट होता है उसको जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो आपने फॉरफिट किए उससे आप डिवाइड कर दो तो आपका पर शेयर का कॉस्ट निकल के आता है नाउ जो रिमेनिंग शेयर्स हैं जो रीशू नहीं किए गए हैं उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर लें वो अमाउंट आपके पास आ जाएगा जो कंपनी के पास अभी भी रखा हुआ है उस अमाउंट से हमें कोई लेना देना नहीं वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे हम ठीक है अगर यहाँ पर फॉरफिटेड भी होता जैसे यहाँ पर फॉरफिटेड अमाउंट होता तो 300 में से वो लेस होता फिर ये 100 लेस होता है और फिर हम यहाँ अमाउंट उसे शो करते हैं क्लियर हो गया मेरी बात ठीक है ऐसा आगे भी प्रोराटा के क्वेश्चन जितने भी होंगे जो और शेयर का एक और वास लेवल है वहाँ पर आपको सब ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे जब जब हम रीइश्यूज रोकेंगे अपने पास शेयर्स तब तब आपको ये काम करना ही करना पड़ेगा आपको पर शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी ठीक है क्लियर हो गया मेरी बात चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो आपकी स्क्रीन पर अभी शो हो जाए क्वेश्चन आपके सामने है ऑथोराइज कैपिटल तो हो जाए 32,000 शेयर्स इशू किए गए सब्सक्राइब भी सारे हुए हैं 4 रुपीज़ एप्लीकेशन पर 2 रुपीज़ अलॉटमेंट पर 2 रुपीज़ फर्स्ट पर 2 रुपीज़ सेकंड पॉल पर अच्छा ये कुछ इन्होंने कैटेगरी दी है जैसे हम समझा देते हैं पहले जैसे 24,000 में और 5,000 फिर 2,000 और फिर 1,000 ठीक है इन्होंने फुल मैंने इन्होंने पूरे पूरे पैसे दिए हैं इन्होंने सिर्फ 8 रुपीज़ दिए हैं इन्होंने 6 दिए हैं उन्होंने 4 दिए हैं ऐसे करके ये कैटेगरी डिवाइड है और ये हमारा 4 + 2 + 2 + 2 उन्होंने 4 रुपीज़ एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट फॉर एंड फाइनल फॉर ये है क्वेश्चन कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं कोई कुछ नहीं फिर भी क्वेश्चन अपने आप में कुछ टेक्निकल लगेगा आपको ठीक है कुछ भी नहीं हम जब करने बैठेंगे तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर चलिए वही अपना काम करना शुरू करते हैं यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 3,000 शेयर्स जिन पर 8 रुपीज़ से कम हमें रिसीव हुए वो सिर्फ उतने ही शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया है यानी कि ये वाले और ये वाले इन्हीं पर तो 8 रुपीज़ से कम मिले इन्होंने तो 8 रुपीज़ दे दिए हैं है ना इन दोनों ने नहीं दिए हैं इनको ही सिर्फ फॉरफिट किया गया है ठीक है यहाँ हमको सारी एंट्री बनाएंगे हम स्टार्टिंग से लेकर के और लास्ट तक चलो हम पहले इशू करेंगे शेयर्स एप्लीकेशन तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 32,000 शेयर थे 4 रुपीज़ के हिसाब से आ जाता है हमारा मन 1,28,000 ठीक है उसके बाद शेयर एप्लीकेशन तो सिंपल है शेयर कैपिटल 1,28,000 चलो अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट हम कर देते हैं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है टू शेयर कैपिटल
32,000 मल्टीप्लाई बाई टू सिंपल 64,000। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें कॉस्ट इन एरियर है, अभी बताते कैसे है। टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, चलो भाई 64,000 है हमारे, लेकिन यहाँ पर कितने शेयर्स मिल रही है देखो कैसे निकालेंगे हम, ये देखेंगे यहाँ पे, ये चेक करने वाले पर 5,000 शेयर्स हैं, इन्होंने 8 रुपीज़ दे दिए। 8 रुपीज़ देने का मतलब ये है 4 इसके 4 2 इसके और 2 इसके, इसका मतलब इन्होंने फाइनल पोलिंग दिए, समझ गए। 2,000 शेयर्स ने 6 रुपीज़ दिए हैं, इसका मतलब इन्होंने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, और ये नहीं दिए, दोनों चीज़ें दोनों कॉल नहीं दिए, इसका मतलब 1,000 शेयर्स ने सिर्फ 4 रुपये यानी कि एप्लीकेशन के दिया, इसका मतलब इस वाले शेयर्स ने अलॉटमेंट की अमाउंट भी नहीं दी है। तो अलॉटमेंट पर क्वेश्चन एरिया सिर्फ 1,000 शेयर्स से है, समझ गए। तो क्वेश्चन एरिया लगेगा 1,000 मल्टीप्लाई बाई टू मतलब 2,000 का, और ये हो जाएगा 62,000, सही। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एरिया, है ना। क्वेश्चन एरिया शो कर देते हैं कि हम अलग से, तो उसका अकाउंट भी बन जाता है, पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन एरिया आपको शो करना है, अदरवाइज नहीं भी तो डायरेक्ट आप 62,000 से हम इसे एंट्री को पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलते अब कॉलम की साइड चलते हैं, कॉलम पहले व्यू कर लेंगे। फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ठीक है, अच्छा 32 मल्टीप्लाई वही 64 से बन जाएगी, ये तो डी हो जाती है। अच्छा, जब हम इसको बैंक रिसीव करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर कितने रुपए हमको नहीं मिले हैं, कितने शेयर्स पर, टू शेयर फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल, चलो तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते देखो, है ना। इन्होंने तो दी नहीं, जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया वो फर्स्ट कॉल भी नहीं देखा, इसने भी नहीं दिया, क्योंकि इसने सिर्फ ये दोनों दिए। तो 3,000 शेयर का, 3,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई टू 6,000 शेयर का, 6,000 रुपीज का यहाँ पर पॉलिसी मिल गया है, सही है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब आ जाते हैं हम अपने फाइनल कॉल पर, इतना हम रेस कर देते हैं, ठीक है, कुछ है भी नहीं स्पेशल, समझाने वाला हमारा बस, इसमें फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, फाइनल कॉल रिसीव भी कर लेते हैं, फिर फॉरफीचर भी कर देंगे। शेयर सब शेयर के आगे इक्विटी वर्ड लगा लेना, अगर इक्विटी वर्ड इसमें मेंशन हो तो, ये भी 64,000 से है। अब इसको रिसीव करेंगे हम, यहाँ पर सारे जितने भी हैं ये सब आ जाएंगे, सही में फाइनल कॉल, ठीक है, यहाँ पूरा आ जाएगा, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट वगैरह तो आपको पता ही है, पूरा आप लोग देख ही लेंगे। ओके, मतलब ये 5,000 5 7 1 8 ये पूजा 16, ये 16,000 रुपीज से यहाँ पॉजिटिव एरिया बन गया। ठीक है, सही है, हो गया। अब आ जाते हैं अपने फॉरफीचर पर, तो उन्होंने कहा है जिन पर 8 रुपीज से कम मिले उन्हें ही फॉरफिट करना है, तो 8 रुपीज से कम से इन दोनों शेयर को मिले, हम इन दोनों शेयर को ही फॉरफिट कर देते हैं खाली। तो शेयर कैपिटल 3,000 से मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो गया हमारा 30,000, ठीक है। टू एरियर दिखाना है ना हमको, सही है, सिर्फ इन दोनों पर 3,000 शेयर्स पर जिन्होंने इतना कम दिया है, हम सिर्फ उन्हीं को ही यहाँ पर फॉरफिट कर लेते हैं। तो टू शेयर फॉरफिटेड और कॉस्ट एरिया इकट्ठा दिखा देते हैं, चलो टू कॉस्ट इन एरिया, टू कॉस्ट इन एरिया हम इकट्ठा दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि और ईजी हो जाता है।
एरियल दिखाना सीखो, क्योंकि एरियल का अकाउंट अगर उन्होंने बनाने के लिए देते हैं तो ये पूरा पॉलिसी एरियल होता है जो रिसीव नहीं हुआ, और ये फॉरफिटेड हो गया जो हमको रिसीव हो गया, समझ गए। अब देखो इन्होंने कितना अमाउंट हमको रिसीव हुआ इसमें, 2000 पे 2500 तो ये मिला हमको, और 4000 सिर्फ हमको यहाँ मिला, ठीक है। 16000 रुपीस तो फॉरफिट यानी कि अमाउंट रिसीव हो गया है, इसका मतलब बाकी सारा जो अमाउंट है वो हमारा यहाँ पर फॉरफिट तो था, ये जो कॉजन एरिया का, सॉरी कॉजन एरिया का तो था ही, सही है। इन 3000 शेयर्स पर फॉरफिटेड अमाउंट यानी कि जो रिसीव हो गया वो सामने ही आपको, 2000 शेयर से 6000 दिए थे तो 12000 और 1000 मल्टीप्लाई का 4000, ये हो गया हमारा 16000 अमाउंट हमको रिसीव हो गया, और ये हमारा क्या हो पॉजिटिव एरियल हो गया, ठीक है। बस अब इनको रीइशू भी करवाया गया है आगे क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में ये बोलते हैं कि ये हमको रीइशू इन्होंने कर दिए हैं, रीइशू किए हैं सारे शेयर्स, सारे शेयर रीइशू किए हैं ऑन विच लेस देन 8 एंड रीइशू हुए 8 रुपीज के हिसाब से। चलो अब रीइशू कर देते हैं, बैंक अकाउंट या फिर टू शेयर कैपिटल, ₹10 का शेयर है, 30000 हो गया, 8 रुपीज़ के हिसाब से हुए हैं, 24000 आएगा, बाकी हम फॉरफिटेड में डाल देंगे, फॉरफिटेड अकाउंट 6000 का, ठीक है। और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे अमाउंट अपना, कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा अमाउंट, 16000 में से 6000 ये लेस कर देंगे, फॉरफिटेड में अमाउंट डाल देंगे कैपिटल रिजर्व में, फॉरफिटेड कैसे आया शेयर फॉरफिटेड कितना है 16000 का, उसमें से हम ये अमाउंट 6000 का करेंगे क्रेडिट है, ये डेबिट है, 10000 रुपीज ट्रांसफर कर, नाउ दिस इज क्लियर। मिलते नेक्स्ट वीडियो में प्रोराटा के क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है। थोड़े से वो यहाँ थोड़े से लेंदी हो जाते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट है यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ जब हम एडजस्टमेंट करते हैं वो कॉस इन एरियर को हम एडजस्ट कैसे करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।